अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी नेमत से मायूस ना होना। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का रहीमाना और करीमाना चेहरा दिखाया नहीं जाता, हम खुद भी इसके मोहब्बत भरे वजूद से वाकिफ़ नहीं हो पाते। अल्लाह ताला सूरह अलज़मर में आयत नंबर 53 में फरमाता है कि कह तो ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज़्यादती की, तुम अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद ना होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है और वो तो बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ इब्न आदम, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाएं, फिर तू मुझसे बख्शिश तलब करे तो मैं तुझे बख्श दूंगा और मैं कोई परवाह नहीं करूँगा। हमारा रब तो हमें बख्शने के बहाने ढूंढ रहा होता है। अल्लाह इस वजह फरमाता है कि मुझे तुम्हें सज़ा देकर क्या मिलेगा, मैं तो चाहता हूँ बस तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो। तो मतलब अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि अगर हम कोई गुनाह करते हैं, लाजमी इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है और वो हर वक्त ही कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई गुनाह करता है, उससे सरज़द हो जाता है। तो आप जब हम गुनाह करते हैं तो हमें अल्लाह से तौबा ज़रूर करनी चाहिए, तौबा का दरवाज़ा ज़रूर खटखटाना चाहिए कि अल्लाह जो है वो माफ़ करने वाला है, दरगुजर करने वाला है। हमें उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो खुद फरमा रहा है कि तुम्हें सज़ा देकर मुझे क्या मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि मैं अपने बंदों को सज़ा दूँ। जब मेरा बंदा तमाम तर नेमतों के बावजूद मेरी नाशुक्री करता है तो वो सज़ा का मुस्तहिक बन जाता है, लेकिन मैं फिर भी उसे सज़ा नहीं देता और इंतज़ार करता हूँ कि मेरा बंदा कब मेरी नेमतों का एतराफ़ करके मेरा शुक्रगुजार बन जाए। मैं इसकी तौबा का इंतज़ार उस वक्त तक करता रहता हूँ जब तक उसकी रूह उसके नखरे तक नहीं पहुँच जाती। सूरह अन-निसा आयत नंबर 147 में अल्लाह ताला फरमाता है कि आखिर अल्लाह को क्या पड़ी है कि तुम्हें खाम खा सज़ा दे, अगर तुम शुक्रगुजार बंदे बने रहो और ईमान की रविश पर चलो, अल्लाह ताला कदरदान जानने वाला है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शुक्र का जिक्र तकरीबन 60 टाइम्स किया है, यानी 60 दफ़ा किया है। शुक्रगुजारी बंदगी की इब्तिदा है, स्टार्टिंग है बंदगी की, इबादत की बुनियाद है, ईमान की पहचान है, जबकि नाशुक्री कुफर है। सूरह बकरा की आयत नंबर 152 में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, तुम मेरा शुक्र करो और मैं नाशुक्री ना और मेरी नाशुक्री ना करो। शुक्रगुजारी क्या है? सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि शुक्रगुजारी होती क्या है। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि शुक्रगुजारी के तीन मदारिज होते हैं, यानी पहली जो है दर्जा इसका क्या है, कल्बी, यानी जो है इंसान दिल से अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करे। कल्ब किसे कहते हैं? दिल, यानी कल्बी, यानी इंसान दिल से अल्लाह की नेमतों का एतराफ़ करे। कौली, यानी तहदीस नेमत के तौर पर ज़बान से भी उसका इकरार करे और अल्लाह के एहसानात का दूसरों से तस्किरा भी करे, यानी ख़ुद तो इकरार कर ही रहा है लेकिन दूसरों के सामने अल्लाह के एहसानात का तस्किरा भी करे। तीसरा दर्जा जो है वो अमली है, यानी जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको दी हैं उसे अल्लाह की राह में खर्च करके अमलन शुक्र का मुजाहरा करते रहें। हमें नाशुक्री का एहसास नहीं हो पाता। हमारे पास जो वसाइल, जो नेमतें हैं, हम ये समझते हैं कि ये हमने अपनी काबिलियत और मेहनत से कमाई हैं। ऐसी सोच को रद्द करना ज़रूरी है, इसलिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर हम इन नेमतों के हकदार नहीं बन सकते। हमारे इर्द गिर्द कितने ही ऐसे लोग होते हैं जो हमसे कहीं ज़्यादा ज़हीन, काबिल और मेहनती होते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें उनसे ज़्यादा नवाजा होता है। अगर हमारे पास कोई भी नेमत है, अगर फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो है एक मोबाइल है, तो वो हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, हमारे अल्लाह की रज़ा से हमें ये मिला है। वरना अगर अल्लाह की रज़ा नहीं होती तो हम जितनी भी मेहनत कर लेते हैं हमें ये चीज़ हासिल नहीं होती। तो हमें जो भी नेमत हासिल है इस वक्त वो अल्लाह की रज़ा से है, तो फिर क्यों ना हम उसका शुक्रगुजार हों कि हम अल्लाह की रज़ा के बग़ैर ज़रा सा हिल भी नहीं सकते, तो हम क्यों ना अल्लाह के शुक्रगुजार हों। हमें अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार रहना चाहिए। ज़रा ज़रा सी नेमत के लिए भी हमें अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रिया।